Hey guys, देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब देखो मैं ये बात जानता हूँ कि आज का वीडियो देखकर बहुत सारे लोग के इमोशंस थोड़े से हर्ट हो जाएंगे और मुझसे बोलेंगे कि भाई तेरे को पता है तो तू ही पिक्चर बना ले, एक काम कर। तो मैं बना लूंगा, पर मेरे को अपने पूछता कौन है ना, छोड़। तो कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों थॉर लव एंड थंडर मार्वल की एक ऐसी बड़ी मूवी है जो फेल हो सकती है। तो बिना सीरियस टाइम पर कॉमेडी करें, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो जब हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर का डेब्यू देखा तो उसकी स्टार्टिंग की दो मूवीज मतलब थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड काफी डिफरेंट टाइप की थी, लेकिन वहीं पर थॉर रैग्नारॉक इन दोनों से बहुत ही ज्यादा अलग डायरेक्शन में निकल गई। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि थॉर रैग्नारॉक ने इन अ वे थॉर को रीइन्वेंट किया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि उससे पहले तक वो बस एक ब्रूट फोर्स का सिंबल था। लेकिन रैग्नारॉक देखने के बाद उसके कैरेक्टर को एक डेप्थ मिली, हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना और हमें समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ हथौड़ा चला करके लोगों पे बिजली गिराने वाला नहीं है, कॉमेडी भी कर सकता है। और हालांकि थॉर रैग्नारॉक एक काफी अच्छी मूवी थी, लेकिन मुझे पर्सनली ये ठीक ठाक लगी। लेकिन चलो ठीक है, थॉर रैग्नारॉक में जो कुछ भी हुआ उससे हम काम चला लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम में थॉर को और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से रिडीम कर दिया गया। लेकिन इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि थॉर रैग्नारॉक में टाइका वाटिटी ने जिस तरह से इस मूवी और इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया था वो काफी डिफरेंट था और किसी ने भी उस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया। एंड ये बात इस चीज को भी कंफर्म कर देता है कि टाइका का अपना खुद का एक स्टाइल है जो हर मूवी में लेकर आना पसंद करते हैं। एंड थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखकर भी मुझे इसी चीज का एहसास हुआ। ये मूवी काफी हद तक थॉर रैग्नारॉक वाली वाइब्स को ही कैरी फॉरवर्ड करती है, क्योंकि काफी ज्यादा कलरफुल है, ब्राइट है, चीयरफुल है, जोक्स क्रैक कर रही है, सब हैप्पी हैप्पी वाली वाइब्स हमको दिखाई जा रही है इस मूवी में। और मुझे पता है कि मेरी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि अगर ये चीजें दिखा ही रहे हैं तो तेरे को क्या दिक्कत है, सब कुछ अच्छा ही तो है। तो हाँ, सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन प्रॉब्लम है थॉर लव एंड थंडर की स्टोरी, मतलब ये कहानी जिस कॉमिक बुक सीरीज से इंस्पायर्ड है वो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड अग्री कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी कहानियां हमको दिखाई गई हैं वो भले ही कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड हो, लेकिन ये लोग इस पर अपना टेक लेना पसंद करते हैं, इसे एक जनरलाइज्ड ऑडियंस के लिए बनाते हैं ताकि इसे हर कोई देख सके, इंजॉय कर सके, सिर्फ कॉमिक बुक फैंस के लिए नहीं, जो चीज परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, सिवाय इस फैक्ट के कि इस मूवी में अपीयर होने वाला विलन बिल्कुल भी ब्राइट, कलरफुल, चीयरफुल नहीं है। आई मीन चलो ठीक है, कॉमिक बुक्स में हेला भी एक बहुत ही डेंजरस और सीरियस टाइप की विलन है और आपने थॉर रैग्नारॉक में उस पे अपना टेक लेकर उसके साथ थोड़ी सी बकलावा कर ली, लेकिन गॉर द गॉड बुचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक बहुत ही सीरियस विलन है जिसने थॉर की लाइफ पे बहुत ज्यादा बड़ा असर डाला था। आप ऐसे समझ लो कि जैसे थॉर रैग्नारॉक ने इन अ वे एमसीयू में थॉर को रीइन्वेंट किया था ना, तो वैसे ही जेसन एरन ने 2013 में जब थॉर की गॉड ऑफ थंडर वाली वॉल्यूम निकाली थी तो उन्होंने भी थॉर को कॉमिक बुक्स के लिए रीइन्वेंट करके रख दिया था, क्योंकि उससे पहले तक थॉर के कैरेक्टर में किसी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जिस मोमेंट पर ये सीरीज आना स्टार्ट हुई उसके बाद से लेकर अभी तक थॉर ने अपनी छाप हर कहीं पे छोड़ दी है। आप बस इतना समझ लो कि एक ऐसा विलन है जिसने थॉर को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। और जैसा कि आप सबको पता है, जहां हीरो की स्ट्रगल शुरू होती है वहां अपने को मजा आना शुरू होता है। तो अगर ये सारी चीजें थॉर लव एंड थंडर में मजाक मस्ती में हो जाती है तो फिर कैसे इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट तो छोड़ दो, आप कैसे उस विलन के साथ जस्टिस कर पाओगे जो इतना ज्यादा सीरियस और सैवेज है, प्लस आपने उसके लिए क्रिश्चियन बेल को कास्ट किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि क्यों मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये मूवी उस डायरेक्शन में जाएगी। आप लोगों ने थॉर लव एंड थंडर का टीजर तो देख ही लिया होगा। अब उस पूरे टीजर में हैप्पी एंड जॉली जो वाइब्स हैं वो पूरी तरह मेंटेन्ड है, लेकिन एक छोटा सा मोमेंट आता है जहां पर थॉर एक बड़े से गॉड की बॉडी को देखता है जिसका नाम फैलेगर द बेहमथ था, और उसे देखने पर हमें एक छोटी सी डार्कनेस वाली वाइब फील होती है। तो आई थिंक ये जो पूरा का पूरा सीन है ये एक सीक्वेंस का पार्ट होगा जहां पर हम कॉमिक बुक्स में भी थॉर को यही चीज करते हुए देखते हैं। होता कुछ ऐसा है कि गॉड द गॉड बुचर ओवर द टाइम कई सालों तक कई सारे गॉड्स को बुचर करता जाता है, मतलब ऐसे बस छोटी मोटी मौत नहीं, किसी को उठा करके खूंटे से टांग दिया, किसी को आधा काट दिया, किसी को कील से ठोक दिया दीवार पे। और ये जो पूरी सीक्वेंस है ना, कॉमिक बुक्स के पैनल्स के अंदर भी एक टेरर का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिरकार इतना ज्यादा डेंजरस विलन है कौन और ये सब चीजें कर कौन सकता है, वो भी गॉड्स के साथ में। और देखो मैं कॉमिक बुक्स में घुसता हूं तो फिर बहुत ही डीपली घुस जाता हूं, तो इसलिए अपन वो नहीं करते। बस मैं आप सबको इतना बताना चाह रहा हूं कि
गॉर द गॉड बुचर एक ऐसा विलन है जिसने थॉर के हार्ट में, दिमाग में, बॉडी में, तन मन धन हर कहीं पर एक टेरर का माहौल बना के रख दिया था। मतलब थॉर लिटरली उससे डर रहा था। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली क्योंकि जेसन एरन के थॉर रन से बहुत ज्यादा क्लोज फील करता हूं अपने आप को, और उस पूरी कॉमिक बुक रन को मैंने उस टाइम पे पढ़ा था जब मैं काफी ज्यादा बैड प्लेस पे था और उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो जो पूरा कॉमिक बुक रन है उसके साथ इस मूवी में जस्टिस हो, एंड समहाउ मुझे टाइका वाटिटी पे भरोसा है। हालांकि इस पूरे टीजर ने हमें एक फनी और हैप्पी वाली वाइब दी है, बट आई स्टिल फील कि कहीं ना कहीं गॉड द गॉड बुचर वाली डार्कनेस और उसकी पूरी वो जो सैवेज वाली फील है वो ये मूवी अभी भी हमें दिखा सकती है, जो इसे दिखाना चाहिए। और इसी ट्रेलर में जब गॉर की अपीयरेंस होती है तो वहां पर हमने पूरे सीन को ब्लैक एंड व्हाइट होते हुए देखा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि टाइका चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट लेने की कोशिश करें। और क्रिस हेम्सवर्थ और बाकी कास्ट के जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं तो उन्होंने भी ये बताया है कि क्रिश्चियन बेल की जो सेट पे प्रेजेंस थी वो बहुत ज्यादा डार्क और इंटिमिडेटिंग थी। ये बात तो समझ में आ रही है कि इन लोगों का प्लान इसको थोड़ा सा डरावना बनाने का है। लेकिन वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तरफ सब कुछ इतना हैप्पी, वाइब्रेंट और जॉली टाइप का नजर आ रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ सब कुछ एकदम डार्क और ब्लैक एंड व्हाइट। और चल मैं मान लेता हूं कि सारी चीजें पुल ऑफ करी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में कैसे करोगे? क्योंकि रिसेंटली हमें इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका है कि थॉर लव एंड थंडर सिर्फ 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से भी थोड़ा सा कम की होगी। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ये पूरी की पूरी मूवी गॉड द गॉड बुचर की कहानी और उसके कैरेक्टर को दिखाने के लिए ही बहुत ज्यादा छोटी है, क्योंकि गॉर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। लेकिन 2 घंटे में उसी को कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तभी हो सकता है जब ये मूवी थॉर की ना होकर गॉर की हो। मुझे पता है कि बहुत वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन जेसन एरन की जो थॉर वाली कॉमिक बुक है वो गॉर पे बेस्ड है, थॉर पे नहीं। तो कुल मिलाकर मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि थॉर लव एंड थंडर के टीजर को देखकर एक अच्छी वाली फील तो आई, क्योंकि टीजर काफी अच्छी तरह से बनाया गया था। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल हूं और बहुत ज्यादा डाउट में हूं कि ये मूवी गॉर द गॉड बुचर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएगी या नहीं, क्योंकि 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे भी उस कैरेक्टर को प्रॉपरली दिखाने के लिए बहुत छोटे हैं। फॉर मी वो एक मूवी में कवर नहीं किया जा सकता, ना उसे कवर किया जाना चाहिए। अगर इसी मूवी में गौर को मार देते तो बहुत सारी चीजें अधूरी छूट जाएंगी। लेकिन जो मुझे लगा मैंने आप सबको बता दिया। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सबका इस पूरे मैटर के बारे में क्या ख्याल है। मुझे पता है कि बहुत गालियां पड़ने वाली है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और इसी के साथ अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, तो पता है क्या करना है, टच करके ग्रे बनाना है, सब्सक्राइब करना है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज keeping awesome. Awesome.